लॉकडाउन जैसे आप सब लोग जानते हैं 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, और इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा। तो मेरा जिला प्रशासन के ओर से यही अपील सारे मुस्लिम भाई बहन के लिए यही रहेगा कि लॉकडाउन के दौरान घर पे ही बने रहें और घर पे ही अपना नमाज अदा करें और घर पे ही त्यौहार को सेलिब्रेट करें, यथासंभव घर के बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन के द्वारा कई उपभोक्ताओं के दुकानों को खोला गया है, 10 से 2 बजे तक दुकान को अभी तक खोला गया है। इसके एक्सटेंशन के बारे पे भी विचार किया जा रहा है, बट मेरा ये सारे मुसलमान भाई बहन से यही मेरा अपील रहेगा कि यथासंभव अपने घर में ही रहें, घर में ही त्यौहार को सेलिब्रेट करें और यथासंभव एक दूसरे से दूरी बना के रखें और मास्क एवं ग्लव्स का उपयोग करें और स्वस्थ रहें, अपने घर में ही रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के ये मीडिया ब्रीफिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो अररिया में जो 5 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, आज की स्थिति जो है, पांचों के पांचों मरीज स्वस्थ हैं, उनको होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। तो अररिया जिला में अभी एक भी पॉजिटिव केस पाया नहीं गया है। हम लोगों अररिया जिला प्रशासन के द्वारा 674 सैंपल्स भेजे गए थे जांच के लिए, और 563 जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं और 107 सैंपल अभी भी टेस्ट रिजल्ट अवेटेड है। अररिया जिला में करीब 453 जगह पे ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर संचालित है, जिसमें करीब 23,000 हमारे मजदूर प्रवासी मजदूर भाई वहाँ पे आवासन एवं भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। और अभी तक अररिया जिला में करीब 27 ट्रेन हम लोगों ने रिसीव किया है, और इसके साथ साथ करीब 450 बसेस के माध्यम से हम लोगों ने प्रवासी मजदूर जो विभिन्न जिला के हैं उनको पहुंचा दिया गया है। करीब, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया है, करीब 33,000 माइग्रेंट्स अभी विभिन्न ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर्स में आवासन एवं भोजन का लाभ उठा रहे हैं। और जो कोविड के डोर टू डोर सर्वे हम लोगों के द्वारा किया गया है, प्रथम फेज में करीब 38 लाख का हम लोगों ने किया है। उसमें सिम्टम्स जो पाए गए थे बिल्कुल नगण्य है, और उसके बाद एक बार जो पॉजिटिव केस पाया गया है उसमें जो कंटेनमेंट जोन अररिया प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, उसमें करीब 13,939 हाउसहोल्ड्स का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें से भी कोई भी सिम्टम पाए नहीं गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान करीब 6,992 वाहन जब्त किए गए हैं और 83 लाख का दंड अधिरोपित किया गया है। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल एनएस रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त आरजी धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन एनएस रेडियो।